अच्छा, ये टॉपिक जो है, दिस इज ऑन सॉइल बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनिक मैटर्स। ये जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स इसको हम कवर कर रहे हैं, तो ये सॉइल से रिलेटेड है कि सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल एग्जिस्ट कर रहे, इसका सॉइल के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, और वो सॉइल का इन अदर वे हमारी लाइफ के ऊपर या प्लांट और एनिमल पे उसका क्या वो है इम्पेक्ट है। तो इसमें ये जनरल ओवरव्यू है कि सॉइल इज मतलब सॉइल क्या है, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ये दो दो चीजें हैं, एक मिनरल्स है और एक ऑर्गेनिजम्स है। मिनरल्स मेन बॉडी, सॉइल बॉडी को हम मिनरल्स या इसके अंदर मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं जो ग्रोथ के लिए जरूरी है, और फिर इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल के अंदर लाइफ या बायोमास ऑफ सॉइल हम कंसिडर करते हैं। ये दोनों जो है दे आर इम्पॉर्टेंट वाइटल टू सॉइल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। ये सॉइल फॉर्मेशन और इसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसके अलावा देयर आर 1 मिलियन बैक्टीरिया इन ईच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसकी अमाउंट कितनी है। तो इसके एक दो एग्जांपल से ये क्लियर हो रहा है कि अगर आप एक क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉइल ले ले टॉप सॉइल, तो इसके अंदर आपको 1 मिलियन बैक्टीरिया या इससे भी ज्यादा आपको मिल सकते हैं, एंड देर आर अबाउट 1 मिलियन अर्थवर्म्स पर एकड़। एक एकड़ अर्थ का इस मिसाइल का इसमें 1 मिलियन अर्थवर्म यू कैन फाइंड इट ओवर देयर। देयर इज मोर बायोमास बीनीथ आवर फीट देन अबाउट। और जो स्टार्ट में मैंने कहा कि बायोमास लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ को कहते हैं, तो सॉइल के अंदर जितना लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है ये एरियल लाइफ से जो सॉइल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है इससे कहीं ज्यादा है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट बिलो सॉइल इज मोर देन द माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अबव सॉइल। ये एक डायग्राम है जो शो कर रहा है कि एनिमल्स कैन बी प्रेजेंट इन सॉइल, दीज आर सिंपल एनिमल्स लाइक माइट्स, निमाटोड्स, स्प्रिंग टेल एंड प्रोटोजोन्स आर देयर, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, एक्टिनोमाइसिट्स और एल्जी भी एग्जिस्ट करती है, और एंट्स और अर्थवर्म जो है ये भी सॉइल के अंदर आपको मिल सकती है। तो ये कॉमन लाइफ है बिलो साइल, आपको ये साइल की अंदर की दुनिया है, ये ऑर्गेनिज्म उधर ऐसे रहते हैं जिस तरह हम एरियल सरवाइव करते हैं। इसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स हमने लेना है, तो प्लांट्स में फर्स्ट है माइक्रो फ्लोरा, मोस्ट क्रूशल लाइफ फॉर्म्स इन साइल बाई फॉर द मोस्ट अबंडेंट इन नंबर। माइक्रोफ्लोरा जो है इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी आते हैं, लेकिन ये प्लांट के अंदर एंटाइटल किया गया है क्योंकि जो अर्ली क्लासिफिकेशन है उसमें ये बैक्टीरिया जो है दे आर प्रेजेंट अंडर प्लांट्स। आप सिंपली ए से स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रोफ्लोरा से, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हमने पढ़ने की किस तरह इंपॉर्टेंट है, और ये साइल के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा बाई नंबर ये सबसे ज्यादा होते हैं। दे जनरेट देयर एनर्जी बाई ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक टिश्यूज, देयर बाई फ्रीइंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर प्लांट्स। विदाउट दीज क्रेटर्स दीज न्यूट्रिएंट कुड बी लॉक्ड अप इनडेफिनेटली इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इसका रोल ये है कि ये सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक टिश्यूज है जिस तरह लीव्स होते हैं, रूट्स, प्लांट्स, डेड एनिमल, ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये जो होते हैं
इसकी डिकम्पोजिशन या इसकी ब्रेकडाउन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न हो तो इसकी वजह से जो साइल है इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसकी अमाउंट बढ़ जाती है और फिर उधर किसी प्लांट या एनिमल के सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ शोइंग सम बैक्टीरियल सेल्स, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट देन ऑल अदर कंबाइंड। ये बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स इसकी नंबर ज्यादा होते हैं। इसके फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, दे मे बी हेटरोट्रॉफिक, डाइवर्स इनर्जी बाई कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक डेब्रिस। ये एनर्जी डिराइव एनर्जी ये किस तरह एनर्जी देते हैं, बाई कंज्यूमिंग किस को कंज्यूम करके, लीव्स रूट्स स्टेम एंड एनिमल टिश्यूज इसको कंज्यूम करके ये एनर्जी लेते हैं एंड दे रिलीजेस अमोनियम फॉर प्लांट्स। और इसके अपने लिए तो एनर्जी लेते हैं, ये प्लांट्स के लिए अमोनियम रिलीज करते हैं रिक्वायरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर नरिशमेंट। ये एग्जाम्पल दिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, इट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, जिस तरह लिग्यूम्स है, लिग्यूम्स ये जो लिग्यूमिनेसिक मेंबर्स हैं ये उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो ऑटोट्रॉफिक है और ऑटोट्रॉफिक में फिर दो टाइप से, ये जो फर्स्ट डिस्कस किया गया है दीज आर कीमोसिंथेटिक, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, इसके ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक मटीरियल्स जिस तरह सल्फर है, आयरन है, कार्बन, अमोनिया और एंड दे रिलीज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और नाइट्रेट और नाइट्राइट रिलीज करते हैं प्रोड्यूसिंग, और दूसरा कैटेगरी प्रोड्यूसिंग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, माइक्रोफ्लोरा में बैक्टीरिया के बाद एक्टिनोमाइसीट्स हैं, तो एक्टिनोमाइसीट्स जो है मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन में ये बैक्टीरिया के अंदर आता है और सम क्लासिफिकेशन में ये सर आ रही है। अच्छा, तो जो एक्टिनोमाइसीट्स है, एक्टिनोमाइसीट्स को कुछ क्लासिफिकेशन में ये बैक्टीरिया में आता है और ज्यादातर, और ये दो की ये बैक्टीरिया भी है लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, तो इसको कुछ और ग्रुप्स में, मतलब फंजाई या अदर डिफरेंट ग्रुप में इसको इंक्लूड किया गया है। तो दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म स्लाइटली लार्जर देन बैक्टीरिया और दे डिकम्पोज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल इन लेटर स्टेजेस इन कन्वर्जन टू ह्यूमस। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। अब ये यहाँ पर ह्यूमस की डिटेल्स आगे आ रही है, लेकिन ये जो डिकम्पोज्ड लीव्स की जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाती है प्लांट या एनिमल की, तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है एंड दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स और इस एंटीबायोटिक्स भी ऑब्टेन किए जाते हैं एक्टिनोमाइसीट से। अच्छा, माइक्रोफ्लोरा में दूसरा फंजाई है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ डिकम्पोजिंग हाईली रेजिस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर डोमिनेंट फ्लोरा व्हेन पीएच इज लेस देन 5। अच्छा, ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है और ये बी डिकम्पोजर्स है, लेकिन दे आर मोर बेटर इन डिकम्पोजिशन, कि ये हाईली रेजिस्टेंस सब्सटेंस को भी डिकम्पोज करते हैं और ये उस रीजन में आसानी से ग्रो करते हैं
जहां पर पीएच जो है दैट इज लेस देन 5, जहां पर मीडियम एसिडिक गूदर ये ज्यादा आपको मिलेंगे। इसके अलावा एलजी है जो आप सबका टॉपिक भी है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, दे आर सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स एंड दे नीड्स सन एंड वाटर, फोटोसिंथेटिक है, सिंपलेस्ट प्लांट है। ब्लू ग्रीन एलजी आर मोस्ट कॉमन, ये ज्यादा है, एड्स इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, और इसका काम ये है वो दूसरे जो है वो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसकी मर जाने से ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये सॉइल के अंदर प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसकी माइक्रो फ्लोरा को लिमिट करने वाले फैक्टर्स क्या है, लिमिटिंग फैक्टर्स इसकी क्या है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये इसको लिमिट कर सकती है अगर ऑर्गेनिक मैटर की सप्लाई ज्यादा या कम हो। टेम्परेचर कूल हॉट टेम्परेचर इसको इफेक्ट कर सकता है। जो मॉइस्चर है किसी रीजन का, मॉइस्चर कम हो ज्यादा हो तो ये इफेक्ट कर रहा है। पीएच 6-8 इसका ऑप्टिमल है, जिस तरह राइजोबियम बैक्टीरिया है, और हर ग्रुप के लिए अलग अलग पीएच है। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी लिमिटिंग फैक्टर है, अगर ऑक्सीजन कम हो तो ज्यादातर जो माइक्रोफ्लोरा है दे आर एरोबिक। वेयर इज माइक्रोफ्लोरा आर इफेक्टेड बाय द एम्बिएंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, मैक्रोफ्लोरा टेंड टू फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट पेरेंट मटीरियल एंड स्लोप कंडीशन। जो माइक्रोफ्लोरा है इसको एम्बिएंट एरियल टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है वो ज्यादातर इफेक्ट करता है, जबकि मैक्रोफ्लोरा को क्लाइमेट और फिर इसके बाद जो सॉइल पेरेंट मटेरियल है सॉइल के अंदर सॉइल की कंपोजिशन और जो स्लोप कंडीशन है ये सारे जो है ये मैक्रोफ्लोरा को डिटरमिन कर रहे हैं। अच्छा, प्लांट्स में मैक्रोफ्लोरा जो है दैट इज ग्रासेस श्रब्स और ट्रीज, ये जो पिक्चर्स आपको नजर आते हैं तो ये मैक्रोफ्लोरा है दैट इज जिसमें फर्स्ट में ग्रास है, दूसरे में श्रब है, और तीसरे और चारवे में ट्रीज है। फंक्शन, इट प्रोड्यूस एन एरे ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल, जिस तरह लीव्स है, रूट, स्टेम, बार्क, वुड, सीड, इफेक्ट सॉइल केमिस्ट्री, वाटर रिटेंशन, पीएच, ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, ये प्लांट का या मैक्रो फ्लोरा जो है इसका काम ये है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, जिस तरह सॉइल में लीव्स, रूट, स्टेम, बार्क, वुड, सीड ये चीजें आ जाती है, तो इसकी वजह से ये सॉइल की केमिकल कंपोजिशन को इफेक्ट करेगा, इसकी वाटर रिटेंशन एबिलिटी को इफेक्ट करेगा, पीएच को इफेक्ट करेगा, और ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर है उसको ये इफेक्ट करता है। अच्छा, इस प्लांट्स का एड इन रॉक वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, ये रॉक वेदरिंग में और सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, इसका ये भी एक रोल है। इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, ये सॉइल को इरोजन से प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, मैं ये अटेंडेंस लेना चाहता हूँ तो ये आप सारे सुन रहे हैं। यस सर, अच्छा, फोजिया प्रेजेंट है, सईदा प्रेजेंट है, और शाब्दुर्रहीम भी प्रेजेंट है, और शाब्दुर्रहीम और फरा का माइक जो है वो नहीं खुल रहा। हेलो सर, ठीक, प्रोटेक्ट करता है। हाँ,
इसके बाद एनिमल्स है, एनिमल्स में माइक्रो फाना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स है वो प्रोटोजोन्स है, दैट इज अमीबा। शाह साहब दादा दी बंद करना मोबाइल, द म्यूट म्यूट का शाह जी। हाँ हाँ सॉरी। अच्छा, इसमें प्रोटोजोन में अमीबा है, सिलिएट्स और फ्लिजिलेट्स है। माइक्रोफाना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दे नीड मॉइस्चर, डारमेंट व्हेन ड्राई। अच्छा, ये जो एनिमल्स है ये मॉइस्चर कंडीशन में ये ग्रो करते हैं और ये डारमेंट हो जाती है अगर सॉइल कंडीशन जो है वो ड्राई हो, और इसको हम ग्रेजर्स कहते हैं क्योंकि दे ईट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट होते हैं, और डाइजेशन एड्स ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, और ये भी ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। माइक्रोफाना में निमाटोड्स है, निमाटोड्स में इसकी डिटेल्स ये है, जिस तरह ईलवर्म्स है मोर कम्प्लेक्स देन प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ से थोड़े से कम्प्लेक्स है, और ये किस तरह डिपेंडेंट खाते क्या है, डाइन ऑन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग साइल एनिमल एंड लिविंग प्लांट रूट्स, ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे, साइल एनिमल्स पे जो उधर एग्जिस्ट कर रहे हो लिविंग हो, और साइल प्लांट्स पे जो उधर प्लांट रूट्स पे जो उधर रहते हो, और ये क्रॉप्स के लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दे कॉज डिस्ट्रक्शन टू क्रॉप्स। अच्छा, इस तरह एनिमल्स में माइक्रो मैक्रोफाना जो लार्जर एनिमल्स है उसके दो एग्जांपल्स है, एंट्स और अर्थवर्म। मेजर मिक्सर ऑफ साइल, ये साइल की मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, मेजर मिक्सर्स है, और देयर ओपनिंग्स अलाउ एयर एंड वाटर मूवमेंट, और ये जब साइल के अंदर जाते हैं इसकी ये क्यूविटीज डेवलप करते हैं, वो एयर और वाटर की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ये अर्थवर्म की दो स्ट्रक्चर्स है और ये एंट का है। अच्छा, मैक्रोफाना में स्प्रिंगटेल्स है, माइट्स है, इसमें मैमल्स है और ह्यूमंस है, ये मैक्रोफाना में है। साइल ऑर्गेनिक मैटर, व्हाट इज साइल ऑर्गेनिक मैटर, तो ये जो साइल के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसकी सोर्सेस प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम प्लांट टिश्यूज, जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी कहा लीव्स रूट्स वगैरह जो है ये आ जाते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर है। एनिमल्स इसका सोर्स है, माइनर सोर्स है, मतलब एनिमल्स इतने नहीं होते कि वो प्लांट्स की तरह एक मेजर चंक बना ले। इस तरह अर्थवर्म, सेंटीपीड्स, एंट्स जो है ये इस ऑर्गेनिक मैटर को प्रोसेस करते हैं, और ये इसकी जो प्लांट रेसिड्यू है इसकी मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, तो इसका एक ये एक रोल है इसका। फिर इसके बाद, अच्छा ये आफ्टर 10 मिनट्स ये प्रेजेंटेशन खुद ब खुद रुक जाएगा, आपने ऑफलाइन नहीं होना, इसको हम फिर रिकनेक्ट करेंगे। साइल ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस फॉर्मेशन, किस तरह ह्यूमस बनता है, टर्म यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक मैटर व्हिच हैज गॉन अंडर एक्सट्रीम डिकम्पोजिशन। ह्यूमस उस ऑर्गेनिक मैटर के लिए हम इस ये वर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर एक्सट्रीम डिकम्पोजिशन हुई हो, ये डिकम्पोज हुई हो, और ये इन तीन कंपोनेंट का एक मेजर सोर्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का। ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी जब डिकम्पोजिशन हो जाती है तो ये ह्यूमस बनाता है, दिस इज ह्यूमस। अच्छा, ह्यूमस फॉर्मेशन में इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, तो वही होंगे जो प्लांट्स में होते हैं। अच्छा, ये इसके इंग्रेडिएंट्स का एक चार्ट है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वैक्सेस। सेलुलोज अगर आप प्लांट टिश्यूज में देखें या प्लांट बॉडी में सेलुलोज की अमाउंट जो है ये 20-50% है, और साइल ऑर्गेनिक मैटर में ये 2-10% हो जाता है। हेमीसेलुलोज जो है ये 10-30% है, ह्यूमस में ये 2% होता है। लिग्निन
10 से 30 परसेंट है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में या जो ह्यूमस है इसमें 35 से 50 टाइम परसेंट हो जाता है। प्रोटीन 1 टू 15 परसेंट होता है यहाँ पर 28 टू 35 परसेंट होगा। और इस तरह फैट्स वैक्सेस जो है ये 1 टू 8 परसेंट प्लांट्स में होता है और 1 टू 8 परसेंट जो है ये ह्यूमस में भी रहता है। तो ये जो टेबल है ये आपको प्लांट टिश्यूज और ऑर्गेनिक मैटर जो ह्यूमस है इसकी कंपेरेटिव एनालिसिस दे रहा है। अच्छा ये भी एक है कि हम जो जो ह्यूमस है ये कार्बन नाइट्रोजन सोर्स है। अब रॉ ऑर्गेनिक मैटर जब ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है फ्रेश फॉर्म में हो रॉ मटेरियल हो उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो जो है ये 800:1 है। मतलब 800 अगर कार्बन के कंपोनेंट से तो एक नाइट्रोजन होगा। ह्यूमस में ये रेशो कंट्रास्टिंगली डिफरेंट हो जाती है 10 कार्बन की रेशो में एक नाइट्रोजन आ जाता है। फिर ये कार्बन नाइट्रोजन रेशो दी गई है इन डिफरेंट मटेरियल्स जिस तरह मैन्योर है फ्रेश मैन्योर में ये 10:1 है रॉटेड मैन्योर में ये 20:1 है ग्रास क्लिपिंग्स में ये 20:1 है लीव्स में जो फ्रेश लीव्स होती है इसमें 40:1 है और ड्राई लीव्स में ये 90:1 होता है। स्ट्रा में 100:1 है और सॉडस्ट जो फ्रेश रॉ वेजिटेबल होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं इसमें ये 400:1 है। और अच्छा तो ये इसकी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो दी गई है। अच्छा हम क्यों ये सॉडस्ट या रॉ वेजिटेशन यूज नहीं कर सकते या नहीं करते इसकी रीजंस हैं। रॉ वेजिटेशन इनवाइट्स लार्ज माइक्रोबियल पॉपुलेशन दे फीड ऑन कार्बन। जो रॉ वेजिटेशन है ये इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी लार्ज माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसकी ज्यादा इसके ऊपर ग्रो करते हैं और फिर वो कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह दे कंप्यूट फॉर नाइट्रोजन एंड मेक इट लेस अवेलेबल टू हायर प्लांट्स एंड कम्युनिटी। रॉ या फ्रेश वेजिटेशन में ये होता है कि इसकी ये फिर ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको यूटिलाइज करते हैं और हायर प्लांट्स के लिए ये नाइट्रोजन सोर्स कम पड़ता है। फिर decomposition of organics and many critters die and decompose nitrogen remains isme nitrogen kar reh jata hai nitrogen fixed is protein in the microbe is now available to plant resultant humus is highly enriched in nitrogen relative to original raw vegetation and has a greater surface area to ye comparative analysis hai नाइट्रोजन सोर्स के लिए कि रॉ लीव्स या रॉ मटेरियल में रॉ वेजिटेशन में और ह्यूमस में क्यों नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा होता है इस कंपेयर टू रॉ वेजिटेशन। यू कैन सी हियर दिस इज अ रॉ वेजिटेशन हैविंग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 400:1 एंड दिस इज अ ह्यूमस विद 10:1 कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। अच्छा इसके बाद इसकी अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये कुछ डायग्राम्स है इसको मैं शेयर करूंगा इसको फिर आप खुद स्टडी करें कि इसमें किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद कंपोस्टिंग है। कंपोस्ट इज ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। कंपोस्ट क्या होता है ये भी एक टाइप है जो ऑर्गेनिक मटीरियल इसकी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हुई हो।
इसकी बेनिफिट्स ये है कि इट रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय 5 to 10 times. एक तो ये कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसकी वॉल्यूम को ये 5 to 10 times कम करता है. हीट जनरेटेड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन किल्स मेनी डिजीज काजिंग माइक्रोब्स. इसके अंदर लोअर्स कार्बन नाइट्रोजन रेशो एंड सरो इज एन एक्सीलेंट सॉइल कंडीशनर. ये एक प्रोसीजर दिया है कंपोस्टिंग का, कंपोस्ट प्रोडक्शन का. अच्छा ये सॉइल फर्टिलिटी है और इसमें फिर सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है और फर्टिलाइजर्स. ये जो 10-10-10 दिया है ये नॉर्मली फर्टिलाइजर्स के ऊपर लिखा होता है 5-10-5, 10-10-10, 6 or 10-4 इस तरह कुछ लिखे होते हैं. ये फर्स्ट 10 जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग नाइट्रोजन, दिस 10 इज रिप्रेजेंटिंग फॉस्फोरस एंड दिस 10 रिप्रेजेंट पोटाशियम. मतलब इसमें इसी अमाउंट में या इसी परसेंटेज में ये चीज एग्जिस्ट करती है. अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल पोटाश एंड अवेलेबल फॉस्फेट. यहाँ पर एक और दिया है 5-10-5 फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम 6-4-6 एक टाइप है. ये डिफरेंट ब्रांड्स है इसके. अच्छा फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का काम क्या होता है? नाइट्रोजन जो है इट मेक द ल्यूज डार्कर एंड स्ट्रांगर. इसको डार्कर और स्ट्रांगर बनाता है और इट हेल्प्स विद अपटेक ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. ये बाकी न्यूट्रिएंट के अपटेक में हेल्प करता है. तो ये लीव्स आप देख रहे हैं इसको, इसकी पेल कलर की वजह क्या है कि इट हैज नो नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन साइकिल दिया गया है. इस तरह फर्टिलाइजर फास्फोरस स्ट्रेंथन स्टेम एंड रूट. ये स्टेम और रूट की स्ट्रेंथनिंग का कर रहा है और इट एनहांसेस फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन. ये फ्लावरिंग और सीड प्रोडक्शन का करता है. आल्सो इंक्रीजेस प्लांट्स रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीजेस. ये डिजीजेस को रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है. इस तरह पोटाशियम स्ट्रेंथन सेल वॉल एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स. सोर्सेस अच्छा इट हेल्प्स इन प्लांट रेस्पिरेशन एंड अपटेक ऑफ अदर मिनरल्स.